राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज दिनांक 9 तारीख को 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन की डेटशीट जारी कर दी है। यानी कि स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती परीक्षा होने वाली थी, प्राध्यापक बोलते हैं जिसे, उसकी 11 से लेकर 21 के बीच में होगी। सातों तो संभाग रखे हैं, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर। अलवर व श्रीगंगानगर, ये दो जिला मुख्यालय रख दिए जिन पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 3 ग्रुप जनरल सब्जेक्ट के, ग्रुप डी और ई है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इनमें भी जनरल स्टडीज का पेपर है, लेकिन वो थोड़ा जनरल स्टडीज का सिलेबस अलग है, आपको इसके वीडियो में ये बात बता दी गई थी। अब हम ग्रुप ए, बी और सी की बात करें तो जनरल स्टडीज का पेपर इनका पहला पेपर होगा। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट हर कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। जैसे सबसे पहली बात करूं ग्रुप ए की, तो जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का पेपर 11 अक्टूबर 2022 को रखा गया है, सुबह 9 से 10:30 यानी 1 घंटा 30 मिनट। फिर उसके बाद सारे सब्जेक्ट हैं वो 3 आवर्स के रखे गए हैं, चाहे वो 2 से 5 हो, चाहे वो 9 से 12 हो। ग्रुप ए में एग्रीकल्चर, मैथ, बायोलॉजी, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिक्स, संस्कृत और इंग्लिश को रखा गया है। ग्रुप बी में हिंदी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को रखा गया है। और ग्रुप सी में भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ड्राइंग, पब्लिक एड, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस को रखा गया है। उसके बाद कोच में फुटबॉल, हॉकी, खो खो, रेसलिंग और जिमनास्टिक के कोच के पेपर हैं जो ग्रुप डी में शामिल किए गए हैं और जो 20 अक्टूबर को होंगे। 21 अक्टूबर को 9 से 11 दो घंटे का तो जीके का पेपर होगा और 2 से 4 दो घंटे का ही फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। तो इस तरह बाकी सारे पेपर 3 आवर्स के हैं, सिर्फ ग्रुप ई है उसको टू आवर्स के दो पेपरों में डिवाइड किया गया है। तो आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िए, या आपको एग्जाम की तैयारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी करवाए जाएंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।